कोई ना हाथ ही हथियार बनाए जी दे नाल होन सलामा ऐसा कम कर दांगे यारा बिन नहीं ओ सरना नदियां जो छट दांगे यारा बिन नहीं ओ सरना नदियां जो छट दांगे। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे AC700 के कंप्यूटर के बारे में, इसको सेट कैसा करना है। आप देख सकते हैं ये होम पेज है, यहाँ भी कंप्यूटर सेट है, ठीक है। इसको सेट कैसा करना है, मैं अभी लफिंग लगाया हुआ है, ठीक है। इसको आपको सेट करना बताता है। ये सब दोस्तों नया करंट पे ये सब ABCD ऐसा सब लिखा रहता है। ये बटन के हिसाब से ही आप जो बटन दबाएंगे, ऊपर सिंबल है फोटो सब, जो भी आप बटन दबाएंगे उसी हिसाब से ये सब काम करता। देखिए अभी ये बूम का है, इसको दबाएंगे तो ये सब बूम का कॉम्बिनेशन खुल जाएगा, ठीक है। इसको आप कैसा ऊपर नीचे करना, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। बैक जाने के लिए जो ओके करने के लिए ये बटन दबाइए, एंटर, चला जाएगा। अब इसको सेट कैसा करना, ठीक है दोस्तों। ये देखिए DS लिखा हुआ है, इसको हम लोग DS कोड बोलते हैं। ये देखिए DS कोड है, LK कोड है, LK कोड घूम का है और DS कोड अपना काउंटर बेड का, सबका उसका DS कोड है। इसको दबाएंगे DS कोड को, अगर आपको DS कोड मालूम है तो सीधा इसको दबा के DS कोड डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं मालूम है तो आप इसको दबा के तो DS कोड को एक एक करके भर सकते हैं। हम लोग एक एक करके भरेंगे। इसको दबा दिया, देखिए उसका WHISL, इसका मतलब है मैं लफिंग लगाया हुआ है और सुपर लेटर लगा हुआ है साथ में, ठीक है। इसको हो गया तो हम लोग सी दबा के या इसको ऊपर नीचे करके इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए जितना अपना फंक्शन है इसमें, HA मेन बूम हो गया, HASL मेन बूम में सुपर लेटर लग गया है, HAB लफिंग हो गया, जिब, HAB जिब हो गया, HABSL, SL का मतलब है सुपर लिफ्ट लगा दिया साथ, लफिंग आ गया, सिंगल खाली लफिंग लगाया, ठीक है, साथ में सुपर लिफ्ट लग गया। LK कोड रीसेट करने, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो बूम कई बार ये मेमोरी लॉस हो जाता है, उसके लिए रीसेट करने के लिए उसका वीडियो में बताएगा दोस्तों, कोई बात नहीं। जब मेरा पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा आपको ऐसा ऐसा चीज बताएगा आप हैरान रह जाओगे। बूम टंक्शन साथ में सुपर लीटर लगा देंगे सर्विस के लिए, ठीक है दोस्तों। भी हमको अपना कोड डालेंगे लफिंग का सुपर लिफ्ट का साथ में, ठीक है। सी दबा देंगे, ये भी दोस्तों सर्विस का है। अभी लफिंग उठाने के टाइम में भी इसको चेंज करके हम लोग सीधा बाइप बिना पास लगा के लफिंग उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सी दबा के एंटर के ओके करेंगे, अभी अपना काउंटर वेट है, इधर से कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। देखिए हम लोग 140 डाला है के लिए ओके कर देंगे। ये दोस्तों है ना लफिंग डाला है 72 मीटर, मिनिमम 24 मीटर है, 30 मीटर जितना आप लगाएंगे उसी हिसाब से इसको भरना है। 72 लगाया लेकिन इसमें 96 मीटर है, हम लोग इसको 72 पे ओके कर देंगे। दोस्तों देखो ये सुपर लिफ्ट का डिग्री है, 0 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। लफिंग टाइम पे आप जब भी इसको बूम अंदर बाहर करना रहेगा तो 0 डिग्री करना है, अगर बूम बाहर निकल गया है तो बाद में बटरफ्लाई बनाने के लिए आपको खोल के 60 डिग्री करना, तो ही आपका कंप्यूटर ओके होएगा। ये देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, जर्मनी भाषा है ये, अपना जब भी लफिंग कम लगता है
तो उसके लिए ये सब दिया है, पेंडिंग बार विद पेंडिंग बार विदाउट पेंडिंग बार, ठीक है। हम लोग ऊपर वाला करेगा विदाउट पेंडिंग बार, नीचे लिखा है विद पेंडिंग बार, हम लोग विदाउट पेंडिंग बार करेगा, क्योंकि कम लफिंग लगा तो ही इसका जरूरत पड़ेगा, ताकि लफिंग पलटी ना हो पीछे, उसके लिए ये विद पेंडिंग बार देता है, उससे रेडियस से थोड़ा फर्क पड़ता है। ओके करेंगे, हमारा कंप्यूटर सेट हो गया है। हुक्का फॉल्स बनना तो आप सीधा इधर से जाके जितना भी करना जीरो दबा के दो कर दिया, सी दबाएंगे, एंटर दबा के हमारा कंप्यूटर चालू हो गया है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग इसके थोड़ा बटनों के बारे में देखेंगे। देखिए इससे चेंज हो गया है, ठीक है। बस ये सेटिंग है, इसमें ज़्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो तो सब इलेक्ट्रिकल है, तो इससे हम लोग करेंगे सेटिंग। इसमें दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ यही है, कोई आपको क्रेन का फॉल्ट होएगा तो इसमें आफ्टर डाटा में जाके मालूम पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसमें दोस्तों तीन एंगल है, ठीक है ना, एंगल सेंसर है, एक मेन बूम को जो अपने को नॉर्मल बताता है, और दूसरा एक हेड में लगा रहता है, जो अपना बूम का पुली रहता है ना मेन बूम का, उधर सेंसर लगा, ये दोनों में 5 डिग्री का फर्क आ जाएगा। ये वाला अभी एक ही 79 हो रहा है और 80 हो रहा है और 77 है, ये दोनों में 5 डिग्री का फर्क आ जाएगा तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक कट कर देगा, ताकि बूम को बेंड होने से बचाने के लिए। ये लफिंग का सेंसर है, एंगल बता रहा है अभी 50.2 आ रहा है, ठीक है। ये रेडियस है 58.2 है, ये बूम लेंथ अपना मेन बूम का बूम लेंथ है, ये अपना 55.3 है, 54.8 है, ये थोड़ा लेंथ में सेटिंग करने वाला है। और बाकी ये लिफ्ट सिलेंडर का प्रेशर बता रहा है, 1, 2, 3, 4 पूरा 90% निकले हुए बूम, ठीक है दोस्तों। एंटर दबाएंगे, बाहर जाएंगे, बस दो। तो इसमें बाकी सब जो है वो इलेक्ट्रिकल के यूज़ के लिए है, ठीक है। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो इंजीनियर आपसे बात करके वो ये खोलने के लिए बोलेगा, आपका डाटा जो भी है, ये सब कार्ड है 180, वो सब कार्ड है, ठीक है। हम लोग बाहर जाएंगे, ये आउटरिगर का है, ठीक है, इसको दबाएंगे तो अपना चारों ओर ट्रिगर का कितना कितना वेट है पूरा बताएगा, ठीक है। देखिए ए बी सी डी, ये कैबिन साइड है, इसी हिसाब से क्रेन ट्रेट करके आप थोड़ा ऐसा ही देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा के, ठीक है दोस्तों। बाद में अगर मेन पेज पे जाना तो फिर भी इसको दबाएंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये बस लिखा है PUS, इसको दबाएंगे तो ये इलेक्ट्रिकल का कार्ड खुलता है, ठीक है। सब कार्ड है, ये इलेक्ट्रिकल का बताता है, ठीक है। हम लोग छेड़छाड़ नहीं करना ज़्यादा इसे, ये दोस्तों लिमिट है, ठीक है। हम लोग कहाँ से इस मटेरियल उठा के बूम उठा बूम का लास्ट और एंड रेडियस इसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसका ये भी आएंगे दोस्तों, लैंग्वेज चेंज करने के लिए सब फंक्शन इसमें दिया है, ठीक है। देखो 4 3 दबाएंगे, जैसे 3 दबाएंगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, तो जो भी है सब इसमें फंक्शन दिया हुआ है। हम लोग दोस्तों छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप भी मत कीजिए,
ये टाइम सेट है दोस्तों, तो दबा के टाइम भर सकते हैं। अभी 7:40 होने वाला है, आप इसको दबा के टाइम सेट कर सकते हैं सीधा बटन दबा के। INV इसको दबाएंगे तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा नाइट में काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये टेलीस्कोप का है जो कॉम्बिनेशन है, अभी जो भी अपना कंप्यूटर में सेट किया है ये लोड चार्ट है, इसको दबाएंगे तो लोड चार्ट आ जाएगा। अभी हमारा जितना बूम निकला है 55.5 निकला है, 72 मीटर लफिंग लगा हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग 34 मीटर मिनिमम रेडियस है और 74 लास्ट रेडियस है, उसका पूरा कैपेसिटी दिया है। यहाँ पे ये ब्लैक लाइन है वहाँ पे रेडियस अपना अभी है 62। ठीक है, अभी आप रेडियस कम देखा रहेगा तो इसके लिए इसमें आप देख रहे हो क्योंकि लास्ट 58 है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो अभी उसके बीच में आएगा उसका ये कैपेसिटी बताएगा, इधर ये बता रहा है लेकिन सामने डिस्प्ले में कम ज़्यादा होएगा वो। ओके, 58 है ना, तो 58 से ऊपर चला गया, इसके लिए 60 ऊपर बता रहा था। ठीक है दोस्तों, ये बजर है, टू टू का कोई साउंड आएगा, अगर हम ये कई बार लाइट आता है उसकी वजह से ये साउंड करेगा, जब कुछ भी लिमिट सोच जाए कुछ प्रॉब्लम आएगा तो इसको बजर दबा के बंद कर सकते हैं हम लोग। एट्रा लोग दोस्तों इसको दबा के रखेंगे तो ये आ गया इधर, हम लोग एक्चुअली लोड जो उठाएंगे अभी अपना हुक के विदाउट हुक के जो बताएगा ये कितना लोड हम लोग उठाया, खाली मटेरियल का लोड बताएगा, सीलिंग डाल के आप डी सकल उसको टाइट करके लोड हुक टाइट करने से पहले सीलिंग टाइट करने से पहले आप इसको दबाना है। ठीक है, तो आपको एक्चुअल लोड उसका बताएगा, खाली जो आप मटेरियल उठा रहे हो उसका लोड बताएगा, हुक का लोड साथ में नहीं आएगा वो अलग से है। ठीक है दोस्तों, ये मेन इतना ही है, बाकी डिस्प्ले में बताया था क्या क्या है आपको। हम लोग फाल कितना भरे हैं, 2 LK कोड है, BS कोड है, टाइम है, क्या कोड डाला है हम लोग, लफिंग का SSL है, 140 टन काउंटर वेट है, 12.2 आउटरिगर है, 2 फॉल्स है, 60 डिग्री हमारा सुपरलिफ्ट का डिग्री है, 72 मीटर लफिंग ज्वाइन किया है, 360 डिग्री रोटेट होएगा क्रेन अपना, LK कोड है, ये लफिंग का डिग्री बताएगा, ये अपना क्रेन का टॉप से जमीन के टॉप नीचे से लेके डाउन से 116.9 मीटर हाइट है, इधर ये रेडियस है और ये मेन बूम का डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये LK कोड है, ये अपना बूम निकला हुआ है चारों, उसका लेंथ है, ये बूम हम लोग निकाला हुआ है 1990। ठीक है, ये ऊपर का कंप्यूटर दिया है, हम लोग कंप्यूटर में भरे हुए हैं और जो नीचे वाला है वो हम लोग निकाला हुआ है 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आपको अच्छा अच्छा बात बताने के लिए। थैंक यू दोस्तों, कोई गलती हुआ तो माफ़ करना, थैंक यू। हाँ दोस्तों, देखिए अभी मैं कन्वेयर के पास में क्रेन लगाया हुआ है। ठीक है, अभी जब मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा तभी आपको मैं बताएगा कोई भी बिल्डिंग से आप कितना दूर क्रेन लगाना है। ठीक है, उसको कितना लफिंग लगाना है और कितना बूम आपको निकालना है ताकि जो आपका बूम बिल्डिंग में टच ना हो और आपका काम हो जाए। ठीक है, ये सब आपको निकालना सिखाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको होना तक वीडियो बनाएगा। अभी देखिए मैं क्रेन लगाया हुआ है, सीधा लगाया है। ठीक है, इस साइड में कॉलम है, उस साइड में कॉलम है, सीधा सीधा ऐसा क्रेन लगाया हुआ है। ठीक है, इतना दूर लगाया हुआ है, ये रोड है पूरा। ठीक है, मेरे को उस साइड तक जाना है। ठीक है, इसी हिसाब को
मैं आपको बताएगा क्रेन कितना तक, ये कन्वेयर भी मेरे को फॉल नहीं हो और मेरा काम भी हो जाए, ठीक है। आपको इसी हिसाब से बताएगा भी क्रेन सेलो से कितना है और ये कन्वेयर से कितना दूर लगाया, ताकि मेरा बूम निकलने के बाद झुकने के बाद में टच ना हो, ठीक है दोस्तों। अगर ये सब सीखना है तो मेरे को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब भी मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आपको मैं वीडियो बना के ये सब बताएगा, ठीक है दोस्तों। यानी सब लोग देख तो लेते हैं लेकिन मेन बूम का लफिंग के साथ में नहीं, ठीक है। आपको मैं विद लफिंग के साथ में बताएगा, ठीक है, कहाँ आपका बूम फॉल होएगा, कहाँ नहीं होएगा, सब ऐसा बताएगा। कहीं एसी में आप काम करेंगे तो बिल्डिंग में अंदर कितना जाना है, क्रेन बाहर कितना लगाना है, वो सब आपको बताएगा, ठीक है, पूरा डेमो के साथ में समझाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, इससे पहले आपको मालूम था कि आपकी क्रेन में 2 या 3 एंगल सेंसर होते हैं, बिना लफिंग वाली में 2 और लफिंग वाली में 3 एंगल सेंसर होते हैं, मालूम था दोस्तों, कमेंट में बताइए। ओके वेले काम जो दे ऐसे असी यार बनाए, पिस्तल दा शौक कोई ना, हाथ ही हथियार बनाए, जी दे नाल होन सलामा, ऐसा कम कर दांगे, यारा बिन नहीं ओ सरना, नदियां जो छट दांगे, यारा बिन नहीं ओ सरना, नदियां जो छट दांगे।